सेंगोल विवाद में कूदी मायावती, सपा को तगड़ा लपेटा, कहा जरूरी मुद्दों पर ये चुप रहते हैं, इनके हथकंडों से सावधान रहें। इन दिनों देश में एक बार फिर सेंगोल को लेकर सियासी बवाल छिड़ गया। विपक्षी दलों ने संसद भवन के स्पीकर के आसन के पास स्थापित सेंगोल को हटाने की मांग की। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग की। अब इस मामले पर मायावती की एंट्री हुई और मायावती ने सपा को जमकर घेरा। बसपा प्रमुख ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सेंगोल को संसद में लगाना है या नहीं, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए ये बेहतर होता कि ये पार्टी देश के कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में और आम जनहित के मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरती। जबकि सच्चाई ये है कि ये पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप रहती है और सरकार में आकर कमजोर वर्गों के खिलाफ फैसले भी लेती है, इनके महापुरुषों की भी उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से जरूर सावधान रहें। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आरके चौधरी ने कहा था कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है। अपने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल का अर्थ है राजदंड, इसका अर्थ राजा का डंडा भी होता है। रियायती व्यवस्था को खत्म करके देश आजाद हुआ, देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संसद से सेंगोल को हटाया जाए। आरके चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारे सांसद शायद ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सेंगोल स्थापित किया गया तो प्रधानमंत्री ने इसके सामने सिर झुकाया था, शायद शपथ लेते वक्त वे इसे भूल गए हों। हो सकता है कि मेरी पार्टी ने उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश की। जब प्रधानमंत्री इसके सामने सिर झुकाना भूल गए तो शायद वे भी कुछ और चाहते थे। सपा नेता के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कहा कि संविधान अहम है, हम इंडिया ब्लॉक में इसकी चर्चा करेंगे। आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर सेंगोल है क्या, इसका इतिहास क्या है और इतना बवाल क्यों है। दरअसल संसद में स्थापित किए गए सेंगोल का आधुनिक इतिहास भारत की आजादी के साथ जुड़ा हुआ है। जब तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल सौंपा गया, वहीं प्राचीन इतिहास में नजर डालें तो सेंगोल के सूत्र चोल राज शासन से जुड़े थे, जहां सत्ता का उत्तराधिकार सौंपते हुए पूर्व राजा नए बने राजा को सेंगोल सौंपता था। ये सेंगोल राज्य का उत्तराधिकार सौंपे जाने का जीता जागता प्रमाण होता था और राज्य को न्याय उचित तरीके से चलाने का निर्देश भी।